नमस्कार, स्वागत है आपका R9 टीवी में और मैं हूं ऋतुबिष्ट। बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर, जहां पर आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख में केंद्र सरकार का प्रतिनिधिमंडल वहां पर जाएगा और कहा ही जा रहा है कि दो दिन ये जो प्रतिनिधिमंडल है जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों ही जगह पर रहेगा और वहां पर ये जांचा जाएगा कि वहां पर आखिरकार कमी किस चीज की है, क्योंकि कहा ही जा रहा है कि ये जब टीम पहुंचेगी तो वहां पर ये जांचा जाएगा कि विकास के कार्य वहां पर क्या होने हैं। और अगर फोकस की बात यहां पर करें तो स्कूल, कॉलेज और स्किल डेवलपमेंट पर इस टीम का जोर यहां पर रहने वाला है और राज्य में विकास के रोड मैप का खाका ये पूरी टीम यहां पर तैयार करेगी। तो केंद्र सरकार का प्रतिनिधिमंडल ये पहुंचेगा आज और दो दिन के इस दौरे के दौरान इन दोनों ही राज्यों को देखा जाएगा कि वहां पर आखिरकार कमी किस चीज की है और विकास इन दोनों राज्यों का किस तरह से यहां पर किया जाना है। तो धारा 370 हटाने के बाद लगातार वहां पर प्रयास किए जा रहे हैं कि हालात जो है सामान्य हो जाएं और अब हालात जो है जब सामान्य हो चुके हैं तो ऐसे में अब कोशिश वहां पर की जा रही है कि वहां पर एक प्रतिनिधिमंडल जाए और पूरी रिपोर्ट जो है वो केंद्र सरकार को सौंपे और बताए कि आखिरकार कहां पर क्या कमी है और किस तरह से विकास दोनों राज्यों का करना है। बाकी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए R9 TV के साथ।